सीरियल झांसी की रानी में रानी लक्ष्मीबाई ने कर दिया है एक और कारनामा, जिसकी वजह से पूरी झांसी, खास तौर पर अंग्रेजी सेना के खेमे में हो गया है हंगामा। लेकिन झांसी के बिगड़ते माहौल से बेखबर रानी लक्ष्मीबाई महाराज का धन्यवाद करना चाहती हैं। महाराज, आज आपने जो कुछ भी किया उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। समझती क्या है आप अपने आप को? महाराज के मुंह से ऐसी बात सुन लक्ष्मीबाई के चेहरे का रंग उड़ जाता है, मुस्कान गायब हो जाती है। लेकिन महाराज तो इतने गुस्से में हैं कि लक्ष्मीबाई को बख्श नहीं रहे हैं, जमकर फटकार लगा रहे हैं। एक ही बात को कितनी बार समझाएं हम आपको, अपने आक्रोश को काबू में नहीं रख सकती आप लक्ष्मीबाई। एक तो दुर्गा दल का प्रशिक्षण कार्य आपने बीच चौराहे में आरंभ कर दिया, फिर उसकी सूचना देना हमें आवश्यक भी नहीं समझा, फिर रॉब को जीवित पाकर बिना सोचे समझे आपने उन्हें दंडित कर दिया। हमारी पूरी प्रजा के समक्ष आप जानती भी है कि एक अंग्रेज अफसर को मारने का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। चलिए लक्ष्मीबाई से जानते हैं कि इस बार उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से महाराज इस कदर गुस्सा हो गए हैं। जी, तो बहुत गुस्सा है क्योंकि मैंने जो हमारे ऑफिसर थे रॉब, उनको जिंदा जला दिया, वो भी सबके सामने। क्योंकि एक तो हम सबको लगा था कि रॉब मर चुका है, बट अच्छे वो मरता नहीं है। मुझे सडनली पता चलता है कि वो सब एक यू नो छलावा था, और वो सडनली सामने आ जाता है और मेरी दोस्त को अभी भी परेशान कर रहा है, इसलिए मैं यू नो उसे पनिश करती हूँ। जो मेरी दुर्गा दल जो मेरी टीम बनी है, वो हम उसका ऑलरेडी प्रैक्टिस चल रहा होता है, प्रशिक्षण मैं दे रही होती हूँ वहाँ सबके सामने गाँव में, ताकि और लोग भी देखें एंड और लोग प्रोत्साहित हो एंड हमारी टीम को ज्वाइन करें। बट वहाँ सडनली रॉब आ जाता है, मैं देखती हूँ मंजरी भी, उसकी हालत ख़राब है एंड पता चलता है कि शिवा को भी उसने मार दिया, तो मैं बहुत गुस्सा होता हूँ, जिंदा जला देती हूँ। पूरी प्रजा के सामने रानी लक्ष्मीबाई ने कैप्टन रॉब को जिंदा जला दिया, और महाराज को ये डर है कि खुदा ना खास्ता प्रजा में से ही कोई दुश्मन कैप्टन रॉस के सामने लक्ष्मीबाई के खिलाफ गवाही दे देता तब क्या होता। अगर आज किसी कारणवश हमारी प्रजा हमारा साथ ना देकर कैप्टन रॉस को ये बता देती कि रॉब को मारने के पीछे आपका हाथ है, फिर क्या होता? महाराज, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज आपने रानी लक्ष्मीबाई को काफी कड़े शब्दों में डांट दिया? पर अगर आप ध्यान जब सीन देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैं इसलिए खफा और गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने रॉब को जला दिया, बल्कि मैं इसलिए खफा हूँ कि उस टाइम पे मतलब एक अंग्रेज को जलाना बहुत बड़ा रिस्क लेना है, बहुत बड़ा, उसके परिणाम जो है बहुत ज़्यादा भयंकर होते हैं, तो आपने वो कैलकुलेट नहीं किए, और साथ में जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे अगर वो नहीं करते तो आपको कुछ हो जाता। तो वो एक्चुअली जो कंसर्न है वो थोड़ा सा गुस्से में निकलता है कि ये कंसर्न और ये प्यार है, जिसमें मैं इजहार भी करता हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, ये आप नहीं समझती हैं। तो बेसिकली जो रीज़न था वो एंगर का ये था, इसलिए नहीं कि इन्होंने रॉब को मारा, इसलिए कि अगर इन सब के चक्कर में ये इनकी केयरलेसनेस की वजह से किसी भी चीज़ की अगर इनको कुछ हो जाता तो हम क्या करते। महाराज गंगाधर अब रानी लक्ष्मीबाई से प्रेम करने लगे हैं, और उनके इस गुस्से के पीछे भी लक्ष्मीबाई के लिए प्रेम ही छिपा था। गुस्से से डांटने के बाद महाराज लक्ष्मीबाई को प्रेम से समझाते हैं। महाराज, आज आपके कारण का जीवन धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए, आपके कारण हमें वास्तविक रूप से एक राजा होने का एहसास मिला है, आपके कारण हमारी प्रजा हमारे साथ है। कभी प्यार तो कभी फटकार, लक्ष्मीबाई और गंगाधर अब करीब आ रहे हैं। आज के सीन के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? वो अच्छी गुस्सा वो जो आप अपने अपनों पे करते हो, जैसे मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं या अगर मेरे मॉम डैड हो, तो जितने भी आप जिनसे बहुत प्यार करते हो, जिनके लिए आप अच्छी केयर करते हो, उनके ऊपर गुस्सा, मतलब आप वो अच्छे गुस्सा नहीं थे, वो अच्छे कंसर्न जो कर रहे थे कि कितना प्रोटेक्टिवनेस की यार अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, वो जो डर लग जाता है कि अरे अभी मतलब एकदम यू नो एज पे होके वापस आना, तो इसे हाँ वो बहुत कंसर्न है। एंड उसके बाद वो आप देखेंगे कि वो वेरिएशन इन्होंने इतना अच्छा अभी किया, आई वाज सो सो हैप्पी। तो
मतलब एकदम वो शुरू करते गुस्से से, और वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि गुस्सा वो कंसर्न में बदलता है, वो कंसर्न से वो प्यार में आ जाता है। तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा सीन था ये। कैप्टन रॉब को रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी प्रजा के सामने दंडित तो कर दिया, लेकिन डर तो इस बात का है कि अब दंड का अंजाम क्या होगा, क्योंकि कैप्टन रॉस अब किसी भी हाल में चुप तो नहीं बैठेंगे। रानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर के खिलाफ कोई नई चाल तो जरूर चलेंगे। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट E24।